So we are back. So I think now my audio video is clear. So please type yes so that we can go ahead. Okay, guys. So the fourth one is chat box. Okay, oh, IT Bombay. Hi, Koshi. So finally, गोइंग टू स्टार्ट बच्चों दिस इज ये जो क्लास है ये नीट वाले बच्चों के लिए है तो थर्मो एक बहुत ही शॉर्टर वर्जन में कराया जाएगा और फिर उसके क्वेश्चन लिए जाएंगे इन रिलेशन टू इक्वेब्रियम एंड अदर थिंग्स तो सबसे पहले आई होप कि अब कनेक्शन नहीं जाना चाहिए स्मूथली uh, हमारा क्लास रन होना चाहिए बिकॉज ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आई थिंक एक या दो क्लास में ऐसा हो जाता है मैं जो कल क्लास दे रहा था वो बढ़िया रहा आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब ये क्यों ऐसा इसमें बार बार इशू होता है रेक्नी चेक वंस मोर सब ठीक है कनेक्शन में हाँ अभी ये लाइव चल रहा है ये आई थिंक अभी थर्ड मे तक का इशू और हो सकता है थर्ड मे के बाद ये जब ओपन हो जाएगा तो शायद मैं थोड़ा बेटर कनेक्ट कर पाऊँगा अभी कोई करेक्ट कोई करने नहीं आ रहे हैं इसको ओके okay, दोस्तों तो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री अब शुरू कर रहे हैं ध्यान से सुनना जरा भाई मान लेते हैं दो हैं एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाऊंगा एक छोटी सी स्टोरी जो कि इस चैप्टर को प्रोसीड करने के लिए बहुत आपके लिए काम करेगी इसमें मैक्सिमम सारे फॉर्मुले कवर हो जाएंगे भाई मान लीजिए मेरे पास दो बर्तन है इसमें मैंने सब्सटेंस ए रखा है इसमें सब्सटेंस बी रखा है इन्हें मैं हीट कर रहा हूं जो ये ए वाला है इसको मैंने जीरो से ट्वेंटी डिग्री तक हीट किया और इसको मैंने जीरो से थर्टी डिग्री तक हीट किया जिसको मैंने जीरो से ट्वेंटी डिग्री तक हीट करा अब एक बात बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा हीट गेन कर जाएगा दोस्तों ऑब्वियस ही बात है जो हीट गेन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर डिफरेंस के क्यों जिसको जीरो से तीस मैंने हीट करा वो ज्यादा हीट गेन करेगा डिफरेंस तो हीट भी उतनी ही ये बात है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ही ज्यादा वो हीट हीट्सॉर्व करेगा अब अगर ये प्रपोर्शनैलिटी का साइन मैं यहां से हटाऊं तो एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा यहां पर कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा सी और सी मेरा क्या हो जाएगा बेटा टी टू माइनस टी वन के साथ मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों मेरी आवाज क्लियर है वीडियो भी क्लियर है अगर क्लियर है तो बहुत ही अब इजी तरीके से चलेगा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है चैप्टर बहुत आसान है चीजें बहुत लिमिटेड आती है इसमें नीट की अगर बात करता हूँ बात करता हूँ तो लिमिटेड तो चीजें हैं हैं इसके अंदर और पर्टिकुलरली आज की ही बात कर रहे हैं। तो अगर यहां देखते हैं तो जो हीट सिस्टम गेन करता है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों ये अगर हीट है तो ये जो कांस्टेंट आया है इसे क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट अब ध्यान से देखो बचपन डिस्टेंस जा रहे हो स्पेसिफिक हीट इज दैट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री यानी अगर किसी सिस्टम का टेंपरेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो दे तो देखो अगर T2 minus T1 1 हो जाए तो C किसके बराबर है क्योंकि तो यही तो हम कहते आ रहे थे दैट स्पेसिफिक हीट इज एक्चुअली द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री ये तो यहां के हुआ इतनी बात को आपने दिमाग में बिठाए रखना ऑडियो कट हो रही है बेटा लेट मी चेक वंस अगेन बच्चों अब ऑडियो क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा जब कुछ ऑडियो क्लियर है चलो सॉरी बेटा ये अभी प्रॉब्लम कर रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा कनेक्शन बेटर हो जाए यहाँ पर क्योंकि तो अभी वन वीक तो मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ जब तक ये लॉकडाउन है सो so, अब बच्चों यहां पर देखना ये अगर मेरा स्पेसिफिक हीट हुआ एक इस चीज को अपने दिमाग में बिठाए रखना और अब जो बता रहा हूं उस चीज को भी ध्यान से देखना मान लीजिए अब इस क्लास से पहले आपने डिनर किया डिनर किया तो डिनर करके आपने थोड़ी हीट अपने अंदर ली मान लीजिए ये आप हैं आपने लेट से 500 कैलोरी हीट अपने अंदर ले ली, ली और आपने अभी इस क्लास के अंदर पढ़ाई करी पढ़ाई भी करी ये बैड कनेक्शन भी फेस किया है ना तो इस सब में भी आपका लेट से थ्री हंड्रेड जूल के हिसाब से वर्क चला गया तो एक तो आपके सिस्टम ने हीट गेन करी और एक आपके सिस्टम ने वर्क किया तो एक तो आपने हीट गेन करी वहां तो आपको एनर्जी मिली और जो आपने वर्क किया उसमें आपने एनर्जी दे दी अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर टोटल एनर्जी कितनी थी तो नोबडी टेल भाई हमारे अंदर कितनी एनर्जी हम नहीं बता सकते हम तो खाली ये बता सकते हैं कि चेंज क्या हुआ हमें नहीं पता हमारे अंदर कितनी ताकत है हाँ ये बता सकते हैं कि चेंज क्या हुआ यानी किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी आप नहीं बता सकते आप खाली चेंज बता सकते हो तो ये हो गया डेल्टा यू डेल्टा यू हम क्या जानते हैं भैया चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और जरा ध्यान से समझना ये इन दोनों पे डिपेंड करती है कि भाई आपका हीट में क्या चेंज हो रहा है प्लस आपने कितना वर्क किया ये इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगी अब ये जो हीट हो गई आपने ली या आपने छोड़ी ये वर्क आपने किया या आप पर हुआ तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन यहां पर इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन क्या है यानी कब इसका साइन पॉजिटिव लेंगे कब इसका साइन नेगेटिव लेंगे किस किस चीज का जरा देखते हैं बच्चों यहां तक अगर किसी को डाउट नहीं है यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है कि मैंने यह क्या लिखा डेल यू क्या लिखा ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं अगर किसी को डाउट है तो प्लीज टाइप रिपीट इन द चैट बॉक्स सो so आगे बढ़, आगे मतलब या तो रिपीट करना होगा तो करूंगा नहीं तो आगे बढ़ूंगा यहां तक सबको क्लियर है तो यहां तक सबको क्लियर है बेटा मैं पंद्रह सेकंड का वेट करूंगा क्योंकि आई थिंक थोड़ा लैग चल रहा है टेन टू फिफ्टीन सेकंड का जब मैं अभी गया था स्ट्रीम यार्ड पे तो वहां पर भी था कि थोड़ा लैग होगा बिकॉज ऑफ मेनी कनेक्शन प्रॉब्लम्स एम वेटिंग फॉर फिफ्टीन सेकेंड इफ एनी बडी वॉन्ट्स मी टू रिपीट एनीथिंग प्लीज टाइप रिपीट इन द चैट बॉक्स अदरवाइज में साइन कन्वेंशन पे आ रहा हूं साइन कन्वेंशन बच्चों देखना है। क्यों क्या है हीट तो अगर हीट एब्सॉर्ब हो रही है हीट एब्सॉर्ब है तो प्लस का साइन लगाएंगे सिस्टम ने हीट ली है तो प्लस हीट इवॉल्व है तो माइनस ये ध्यान रखना ठीक है उसके बाद अगर वर्क डन सिस्टम कर रहा है वर्क डन बाय सिस्टम तो यह नेगेटिव है भाई देखो सिस्टम काम करेगा तो एनर्जी लूज कर रहा है एनर्जी लूज कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया नेगेटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हुआ ऑन द सिस्टम हो गया प्लस ये बेटा साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है कि हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस है हीट अगर इवॉल्व हो रही है तो माइनस है वर्क डन बाय सिस्टम है तो माइनस है और वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो प्लस है ये थोड़ा ध्यान रखना तो बच्चों यहां तक हम आ गए और हमारी समझ में एक बात आ गई कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या चीज होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ दो बात पे डिपेंड करती है कितनी आपने हीट ले ली और कितना आपने वर्क कर लिया जो आप इस अर्थ पे हीट लेते हो जो आप खाते पीते हो उतना ही आप हाँ वर्क कर सकते हो तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है कि आप एक, एक तरह से एनर्जी बना नहीं पाते हो लगभग यही वो चीज चलती रहती है यानी आप एनर्जी बनाते नहीं हो आप एनर्जी खत्म नहीं करते हो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी मेरे दोस्तों तो अगर ध्यान से सोचें, तो ये जो हमने लिखा है दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अरे भैया यही तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन और देखो दोस्तों इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ठीक है फटाफट फ़ड़ नोट करो और किसी को डाउट तो मुझसे पूछो टाइप करो रिपीट और नहीं है तो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं चीजें काफी हैं करने को थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि भैया बड़ा सीधा था कि जो हीट होती है एक बार रिवाइज कराता हूं थोड़ा सा कनेक्शन दिक्कत थी जो हीट होती है अगर वो ध्यान से समझे जो हीट होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ठीक है तो Q इज इक्वल टू यहां से जो निकल के आया Q इज इक्वल टू सी डेल्टा T, वे C इज योर स्पेसिफिक हीट फिर हमने देखा बेटा साइन कन्वेंशन ये हमने लिया यहां से कि जो भी आप खाते पीते हैं और जो आप वर्क करते हैं उसी के बेसिस पे आपकी बॉडी में टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज आता है ये एक मेजर चीज समझनी है इसी को मैंने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसी को बोला मैंने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ठीक है जी यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को दस सेकंड का वेट जरूर कर रहा हूं किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो अदरवाइज आगे चलते हैं ठीक है अब बच्चों जैसे मैंने लिखा था डेल्टा यू ये लिखा था मैंने रिप्रेजेंट कर रहा है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को तो इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं बेटा सम ऑफ ऑल दी एनर्जी सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी फाइन अब बच्चों इसी के साथ साथ एक चीज और हमें पता है ये होती है एंथैल्पी डेल्टा एच इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है देखो हैं दोनों बॉडी के अंदर कितना हीट कंटेंट है इसी को आप कैपेसिटी कहते हैं तो हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये ध्यान रखना इज नोन एज इंटरनल एनर्जी और हीट कंटेंट ऑफ बॉडी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज एंथेलपी यहां तक किसी को डाउट है ये दोनों चीज बहुत जरूरी है बेटा ये ध्यान रखना जो बताया है मैंने ये सारे फॉर्मूले के ऊपर बता रहा हूं कहानी अब किस तरीके से आप Okay, अगर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल गया ना ये रिविजन हो गया तो बड़ा फायदा होगा भैया नीट में ये ध्यान रखना ये रिविजन बहुत जरूरी है थर्मोडाइनिक्स का तो जरा फोकस बनाए रखना तो अभी तक हमने बात करी डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी दैट इज दीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और डेल्टा एच एंथल्पी दैट इज हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं पंद्रह सेकंड का फिर मैं आपको एक टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो उसके बाद टाइम लग रहा है थोड़ा सा लैग है चलिए जी तो अभी तक किसी ने रिपीट नहीं लिखा इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों तो अब एक चीज समझना यहां से कहा जा रहे हैं भैया ये भी हीट है ये भी हीट है और हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो हीट है वो C डेल्टा T है ठीक है जी ये हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा है कि जो हीट है वो क्या है सी डेल्टा टी है अब दोस्तों यहां पर क्या चीज है जरा समझना अगर मैं डेल्टा यू कहता हूं तो वो क्या है हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी उसको क्यू सब्सक्रिप्ट वी कह सकते हैं और यहां पर लिखा जाए तो उसको सी सब्सक्रिप्ट वी लिख सकते हैं और ये डेल्टा टी सिंपल है अब अगर मैं डेल्टा एच लिखूं तो ये क्यू सब्रिप्ट पी और ये सी पी डेल्टा टी तो भैया अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको इस तरह समझना कि डेल्टा यू हमारा क्यू है सी डेल्टा टी है और डेल्टा एच हमारा क्यू पी है सीपी डेल्टा टी है भैया ये ये क्यू भी ये सी बी ये क्या बता रहा है ये कुछ खास नहीं बता रहा ये सिर्फ ये बता रहा है कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम या एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ठीक है जी यहां तक कोई डाउट तो नहीं सी सी बेटा मैंने ऊपर बताया था ध्यान से समझना फिर से एक बार भाई याद है क्लास टेंथ में आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए करते थे रेजिस्टेंस बहुत जगह देखा है फिजिक्स में भी तो जब इसको खोलते थे तो रो आता था वाई ये करते थे तो जब ये रेजिस्टेंस था तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था और वैसे ही अगर ये हीट है तो ये स्पेसिफिक हीट है टेंशन ही नहीं तो ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने क्या करा हमने बेसिकली ये देखा ना कि भाई हीट जो है कोई भी सिस्टम कितनी हीट लेता है ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर मैंने ऐसे करा है तो सी इज वॉट योर स्पेसिफिक हीट ठीक है आई थिंक योर डाउट इज क्लियर बेटा इफ योर डाउट इज क्लियर देन वी कैन प्रोसीड फर्दर अभी मैं दस सेकंड और रुक रहा हूं थोड़ा लैग चल रहा है वीडियो में ना तो दैट इज वाई मुझे दस सेकेंड रुकना पड़ रहा है बीच बीच में आई थिंक लाइव क्लासेस भी बहुत हो रही हैं और कनेक्शन भी प्रॉब्लम कर रहे हैं चलो क्षेत्र वेरी गुड अब बच्चों एक चीज समझना हमने फर्स्ट लॉ क्या देखा था फर्स्ट लॉ था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ओके पार्थ वेरी गुड बेटा अब आगे समझते हैं जरा ध्यान से देखना दोस्तों अगर हम डब्ल्यू के बारे में बात करें तो डब्ल्यू हमारा पी डेल्टा वी भी होता है यस और नो अब इसको यहां लगाओ जरा और ये वर्क डन ज्यादातर हम बात करते हैं एक्सपेंशन का एक्सपेंशन यानी वर्क डन बाय द सिस्टम तो ये साइन रहेगा नेगेटिव तो क्यू माइनस पी डेल्टा भी और ये हो गया डेल्टा यू दोस्तों अगर ये भी हीट है और सम वॉट ये भी एक हीट की ही फॉर्म है और यहां पर कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो इसको भी क्योंकि एक्स में से एक्स घटता है वाई में से वाई घटता है इस तरह आप इसको सोच सकते हैं देखो मैं लिंकिंग समझा रहा हूं अगर आप कॉन्सेप्ट को लिंक करना सीख गए तो आपके दिमाग में बना रहेगा आप भूलोगे नहीं फॉर्मूला उस टाइम पे तो आपको बड़ा मजा आएगा इसमें तो दोस्तों यहां पर एक चीज समझना वो क्लियर हो जाएगी कि जब हम बात करते हैं Q माइनस पी डेल्टा वी की तो अगर ये प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको भी प्रेशर कांस्टेंट मानो और क्योंकि ये हीट है तो इसको डेल्टा एच ले लो तो ये हो जाएगा माइनस पी डेल्टा डेल्टा यूलोधा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एच ये एक फॉर्मूला आ गया भैया बहुत सिंपल मैंने ध्यान से देखो फर्स्ट लॉ से ही बना दिया इसको तो कोई ध्यान से देखोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा ये कोई टेंशन तो नहीं है इसमें चलिए फटाफट कोई टेंशन है तो बताओ मुझे फटाफट ये बहुत इजी लिखा है मैंने कोई टेंशन है तो बताओ मैंने इसी फर्स्ट लॉ से एक फॉर्मूला बना दिया आपके लिए तो आप आराम से कर सकते हैं एक फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों और आप इससे एक और बनाएंगे ध्यान देना अगर कोई चाहता है इसको रिपीट करूं तो टाइप रिपीट इन द चैट बॉक्स अगर कोई चाहता है कि रिपीट करूं तो टाइप रिपीट इन द चैट बॉक्स चलिए कोई नहीं चाहता वेरी गुड यहां सबको क्लियर हो गया अच्छा क्षितिज रिपीट क्षितिज बड़े आसानी से बात सोचो बेटा ये था मेरा अगर मैं ध्यान से सोचू तो मैंने लिया ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू मैं ये जानता हूं कि जो मेरा वर्क डन होता है वो पी डेल्टा वी होता है ठीक है अगर ये पी डेल्टा वी होता है तो मैं डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा भी लिख सकता हूं बहुत ईजी है अब देखो बेटा ये भी हीट की फॉर्म है ये भी हीट है वर्क डन भी हाँ हाँ पर मैं समझा रहा हूं बेटा ये भी हीट की फॉर्म है तो अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो ये भी कांस्टेंट प्रेशर माना जाएगा अगर ऐसा होगा तो क्यों ना मैं इसको डेल्टा एच मान लू क्योंकि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज योर एंथलपी अगर ये इसकी एंथल्पी मान ली तो डेल्टा एच को तो मैंने यहां रख लिया और पी डेल्टा भी यहां ले गया तो मुझे ये फॉर्मूला मिल गया दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा तो दोस्तों ये एक चीज हमें मिल गई बहुत इजिली अवशतिष ठीक है पर्व अब ठीक है और शुड आई रिपीटेड बन सके क्योंकि बहुत जरूरी है बेटा ये चारों फिजिकल के चैप्टर बहुत जरूरी है नीट के लिए ओके बेटा तो अब एक चीज और करते हैं ओके क्षतेज चलिए क्षतेज का नहीं आया मैसेज कोई नहीं चलो तो अगर मैं डेल यू रखता हूं और पी को रखता हूं वी टू माइनस वी वन ये मैं नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहा हूं मैंने एक छोटा सा चेंज और करा देखो यही चीज हमें सिखा रहा है कि अगर हम चाहें तो एक ही चीज से सिर्फ मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स को नए नए तरीके से सोचा और मैं यहां तक पहुंच रहा हूं तो अब मेरे पास क्या हो रहा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन है ना अब मैं क्या कर सकता हूं ध्यान से देखना एन टू आर टी क्योंकि देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा आर गैस कांस्टेंट है माइनस एन वन आर टी डेली यू प्लस आर टी कॉमन ले लू तो ये एन टू माइनस एन वन बच्चों क्योंकि यहां पर मैंने गैस इक्वेशन लगाई है तो ये एन टू माइनस एन वन का मतलब क्या हुआ एन टू हुआ कि प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल गैसेस के और रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल है गैसेस के तो ये आ जाएगा डेल एन जी नाउ डेल एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस और जी मतलब सिर्फ गैस वाले और आर टी तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी एक ये मिल गया तो अभी आप देखो कितने सारे फॉर्मले हमारे से लिंक हो गए पहला फॉर्मुला हमारे पास क्या आया था ये क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी इससे मैंने डेल्टा यू का फॉर्मुला भी लगा लिया डेल्टा एच का फॉर्मला भी लगा लिया सी बी डेल्टा टी और सी बी डेल्टा टी मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया उससे मैंने दो फॉर्मुले और बना लिए पहला ये था बेटा डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी और दूसरा मैंने बनाया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी ये सारे फॉर्मले अभी क्वेश्चन के अंदर बहुत डायरेक्टली लगेंगे जब आप करोगे तो यही फॉर्मले लगते हैं ज्यादातर ये वाला तो बहुत लगता है बेटा डेल्टा एन निकालने वाला जो फॉर्मुला रहेगा इसके अंदर बहुत ज्यादा ये लगेगा ये ध्यान रखना चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों आगे क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जरा समझना अभी हमने देखा

यस, yes, बिकॉज़ और अगर से कितने फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं इस तरह से लिंक करना जरूरी है डॉक्टर साहब अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई में डॉक्टर बने और डॉक्टर की तरह सोचें तो आपको चीजों को लिंक करना आना चाहिए आज सोचिए कोविड नाइनटीन के ट्रीटमेंट में डॉक्टर सोच रहे हैं कि बीसीजी वैक्सीन जो कि सौ साल पुरानी लगभग मेडिसिन है उसको भी क्या हम यूज कर सकते हैं वो इसलिए कि लिंक करना आता है तो एक सिंपल मैंने फॉर्मूले से यहां तक आपको पहुंचाया है आई थिंक यहां तक तो किसी को दिक्कत है नहीं इफ एनी बडी वॉन्ट्स मी टू रिपीट इट प्लीज टाइप रिपीट इन द चैट बॉक्स प्लीज टाइप रिपीट इन द चैट बॉक्स चलिए तो किसी को नहीं रिपीट चाहिए वेरी गुड दोस्तों इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे देखो बहुत सारी एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन उन सब में एक चीज ध्यान रखना की बात करते हैं तो द तो 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 एनर्जी रिक्वायर्ड टू बर्न या एनर्जी जब बर्न करोगे तो बेसिक चीज ध्यान रखना है वो जो एनर्जी निकल रही है फॉर वन मोल जितनी भी एनथेल्पी है सब वन मोल के लिए निकालनी है तो जितनी भी एनथेल्पी ऑफ रिएक्शन निकालोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर वन मोल एक तो ये ध्यान रखना सारी एंथेल्पी के लिए दूसरी चीज बच्चों ये ध्यान रखना एंथेल्पी ऑफ रिएक्शन जब निकालते हो एंथेल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है सबको पता ही है भाई जब भी कोई चेंज निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स ये आप देखेंगे भैया लेकिन ये ध्यान रखना यहां पर एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन देनी चाहिए अगर वो नहीं दी होंगी तो आप ये नहीं लगा सकते ठीक है ये बहुत जरूरी है अगर आपको एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आप इस तरह नहीं लगा सकते अब क्यों नहीं लगा सकते जरा बताते हैं जब पता ही नहीं भैया प्रोडक्ट की कितनी है और, है और आपको इन सब के एंथेल ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है वन मोल के हिसाब से दे रखी है तो आप क्या करेंगे ये प्रोडक्ट वाले इनकी एनर्जी प्लस करेंगे और ये रिएक्टेंट वाले इनकी प्लस करेंगे और फाइनली प्रोडक्ट वाले की यहां डालेंगे और रिएक्टेंट वाले की यहां डालेंगे और आपको आंसर मस्त मिल जाएगा ये ध्यान रखना कोई खास दिक्कत नहीं आएगी लेकिन में जहां पर ध्यान रखना जैसे मान लेते हैं C प्लस ओ टू टू ये मेन हमारी रिएक्शन हो गई अब C प्लस हाफ ओ टू विल गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सीओ प्लस हाफ ओ टू विल गिव यू सी ओ टू अब दोस्तों एक्सपेरिमेंटली वी कैन प्रिडिक्ट एंथेल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन आ गई एक्स एक्सपेरिमेंटली यू कैन प्रिडिक्ट दिस ऑल्सो और इसकी आ गई वाई आप क्या नहीं निकाल सकते दोस्तों आप ये नहीं निकाल सकते एक्सपेरिमेंटली तो अब अगर एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते तो कैसे निकालेंगे यहां एक सवाल आया ये सवाल बहुत ही क्रूशल है जरा ध्यान से सुनना एक साहब आए मिस्टर तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस इज अ क्लास तो बेसिकली मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत तेजी से टच करते हुए बढ़ रहा हूं पूरी डिटेल जानने के लिए जैसा आप जानते हैं इसी चैनल पे क्लास इलेवन का बैच भी शुरू हुआ है वहां भी आप देख सकते हैं लेकिन वो आपके लिए है नहीं बच्चों जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इसी शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी नीट वाले पूरे करने हैं आपने मेरे साथ इसी वीक में तो ये जो आज पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज आपने बड़े ध्यान से रिवाइज करके समझनी है और सारे फॉर्मले कम से कम पांच पांच बार लिख के देखने हैं तो अब मैं जा रहा हूं कि ऐसे स्लॉ क्यों आया आइए जरा जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं भैया मेरे हाँ बेटा देख जो चीज बहुत जल्दी सडनली चेंज हो जाए दूसरे में ठीक है जैसे अब हम ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है इंटरमीडिएट रिएक्शन की बात करते हैं तो वो स्टेबल नहीं होती इसलिए नहीं उसका कर सकते फिलहाल ये मानो सो so, अब बेसिकली उन केसेस में जिसका हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते वहां हम लगाते हैं हैसिस लो। हैसिस ने क्या बोला बड़े ध्यान से समझना कि भैया रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे मल्टी स्टेप में रिएक्शन चाहे एक ही स्टेप में हो चाहे मल्टी स्टेप में हो एनर्जी तो उतनी ही लगेगी मतलब दोस्तों एक छोटी चीज समझो मान लो मैं यहां खड़ा हूं और मुझे एक बहुत बढ़िया मैं यहाँ पर रहता हूँ एक दो कमरे के फ्लैट में रहता हूँ लेट से और मुझे एक बहुत बढ़िया मेंशन चाहिए भाई साहब बहुत ही शानदार एक बंगलो चाहिए बहुत बड़ा सा ये बहुत बढ़िया इस बंगलो को बनाने में लेट से ट्वेंटी करोड़ रुपए चाहिए मेरे पास फिलहाल बीस लाख रुपए हैं तो अब बीस लाख से बीस करोड़ चाहे मैं पहले बीस लाख लाख से पचास लाख कमाऊं फिर साठ कमाऊं फिर सौ जाऊं फिर एक जाऊं चाहिए मुझे बीस ही और चाहे मैं एक झटके में कमाऊं यानी कहने की बात यह दोस्तों अगर मैं बहुत अच्छी मेहनत करूं देखो ये टाइम बहुत क्रुशियल है मैं बहुत अच्छी मेहनत करूं अभी इस डेढ़ महीने में मैं बहुत जोरदार मेहनत करूं और मैं एक अच्छा मेडिकल कॉलेज ले लूं तो मेरे ये रास्ते कम हो जाएंगे और अगर मैं अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाया मैं नहीं पहुंच पाया मैं अच्छा करियर नहीं बना पाया तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कई सारे छोटे मोटे रास्तों पर कई साल तक चलना पड़ेगा हैसिस ने यही कहा स ने कहा कि अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा हूं और यहां सौ जूल लगते हैं तो अगर मैं ए से सी जाऊं सी से डी जाऊं और फिर डी से बी जाऊं तो भी लगभग एनर्जी जो है वो सेम रहेगी यानी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड फॉर अ चेंज सेम इन रेस्पेक्टिव ऑफ दाई कितने स्टेप में प्रोसेस हो रहा है इससे मतलब नहीं है एक स्टेप में हो रहा है तो भी उतनी एनर्जी है मल्टी में हो रहा है तो भी उतनी एनर्जी है ये हैसिय लॉ है बच्चों ध्यान से समझना हैसिस लॉ को और डिटेल में पढ़ना हो तो हमारे ही चैनल पर मैंने डाला हुआ है, हैसेसिस लॉ के बारे में एक डिटेल वीडियो तो दोस्तों एक चीज सोचो यहां पर C प्लस ओ टू टू एक स्टेप में बन रहा है और यहां पर C प्लस ओ टू दो स्टेप में बन रहा है तो जितनी एनर्जी इसमें थी उतनी ही इन दोनों में थी मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों अगर ये रिएक्शन वन है ये टू है और ये थ्री है तो अगर मैं बात करूं तो एंथेल्पी ऑफ रिएक्शन वन विल इक्वल टू एंथेल्पी ऑफ रिएक्शन टू प्लस एंथल्पी ऑफ रिएक्शन थ्री इस तरीके से हमें ये करना होता है और अभी हम क्वेश्चन भी लेंगे तो भी चीज समझेंगे जरा सभी बालक जरा ध्यान से समझें तो यह क्या हुआ बेटा अगर मैं ध्यान से समझूं तो रिएक्शन वन की जो मेरे पास एंथल्पी थी वो एक्स थी और रिएक्शन थर्ड की वाई थी तो इसकी अगर मान लेता तो हूं मैं ए है तो ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स तो ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इस तरीके से हमें करना होता है अब अगर ये सबको समझ में आ गया है तो भैया ठीक है अगर कोई चाहता है मैं लॉ दोबारा बताऊं तो प्लीज टाइप रिपीट इन द चैट बॉक्स और फिर ये देखो बेटा नीट में क्वेश्चन आया है 2015 में जरा वो हम ले लेते हैं फटाफट कोई चाहता है रिपीट करूं तो रिपीट डाल दो अदरवाइज पेन कॉपी लेके बैठो फटाफट द हीट ऑफ कंबस्टन हीट ऑफ कंबस्टन ये जो क्वेश्चन 2015 में नीट में आया था ये वो है डिफिकल्ट नहीं होते हाँ बेटा डिफरेंट अभी लॉ के साथ लेता हूं एक एक क्वेश्चन के साथ लूंगा पार्थ अब थोड़ा क्वेश्चन भी तो करने ना, जो नीट वाले आए हैं तो अभी वही क्वेश्चन ले लेते हैं हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन टू सीओ टू इज माइनस थ्री नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोल सो हीट रिलीज्ड The heat released upon formation of 35.2 gram of co2 from carbon is ye 2015 neat mein ये दो हजार fatafat नीट में है बेटा चलिए फटाफट यह डेटा नहीं है दो हजार फिफ्टीन का कोई डेटा मान ले ठीक है डेटा इतना ही था चलिए फटाफट शुरू कीजिए फटाफट करो बेटा बस बेटा क्वेश्चन करने के लिए दो ही मिनट दूंगा फिर मैं फटाफट चाहिए मुझे यस खुशी। वेरी फास्ट बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा मैं हमेशा कहता हूँ डिफिकल्ट क्वेश्चन तो जेई मेन्स उसमें कुछ ऐसे बनते नहीं एक आध क्वेश्चन बनता है सोचने वाला डिफिकल्ट वो भी नहीं होता बच्चे खुद ही बहुत अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं इसलिए फंस जाते हैं चलिए सबका आ गया बेटा समझाऊं फटाफट क्षेत्र पार्थ बेटा कुछ अभी आंसर नहीं आया तुम्हारा कुछ भी आओ बता दो चलिए बेटा बता रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट देखो बड़ा आसान है बच्चों यहां पर दे रखा है आपको कंबेशन की एंथेल्पी दे रखी है और मैंने आपसे कहा था जितनी भी एंथेल्पीज होती हैं वो वन मोल के लिए होती हैं तो ये वन मोल के लिए है सीओ टू के इसके लिए निकालना है तो बस फिर खत्म हो गया है तो आंसर मोल कैसे निकलेगा बेटा 35.2 तो दे रखा है गिवन मास 44 मास मोलर होता इन टू में ये एनर्जी लगा दो खतम। आंसर आ गया नियर अबाउट थ्री फिफ्टीन कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों बड़ा आसान था चलिए अब देखो ये आया हुआ है ये क्वेश्चन टू थाउजेंड टेन का है फटाफट देखते हैं The following two reactions are known. One is Fe2O3 plus 3CO goes to 2Fe plus 3CO2, and the enthalpy of this reaction is equal to minus 26.8 kilojoule. And FeO plus CO, Fe plus CO2. डेल्टा एच फॉर दिस इज माइनस सिक्सटीन पॉइंट फाइव किलो जूल सॉरी पॉइंट फाइव किलो जूल नाउ आपने निकालना है एंथेलपी फॉर दिस एफ ई टू ओ थ्री हाशित आंसर वही है बेटा एफ ई टू ओ थ्री प्लस सी ओ गोस टू एफ ईओ प्लस सीओ टू चलिए जी निकालिए फटाफट बात गलत है बेटा तोते उड़ गए जी आपको सही आ रहा है नहीं टेंथ तो फिर भी नहीं है पार्ट बेटा आंसर इसका चलिए एनी बडी एल्स खुशी ना, गलत आ रहा है बच्चों क्या कर रहे हो सो तो तो नहीं बेटा 6.2 प्लस का है हाँ ठीक है ये सही है देखो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या था देखें जरा भाई अगर मैं ध्यान से सोचू तो ये मेरी स्केल्टल इक्वेशन है स्केल्टल यानी ये मुझे चाहिए हमेशा जो आपको चाहिए पहले वो तय करो जो आपको चाहिए पहले वो तय करो उसके बाद जो गिवन है उसको सोचो यह तो, तो सही आ गया आंसर प्लस में अब देखो बेटा यहां पर आपको चाहिए Fe2O3 इस रिएक्शन में Fe2O3 है आपको रिएक्टेंट साइड में चाहिए रिएक्टेंट साइड में ही है तो इसको प्लस का साइन दो मतलब इसको प्लस करना है मुझे फिर एफ यहां पर दे रखा है में मुझे चाहिए में लेकिन चाहिए दो तो इसको पहले तो करूंगा पूरी रिएक्शन को दो से मल्टीप्लाई और लगाऊंगा माइनस अब देखता हूं तो एफ तो मेरा प्लस ही था बिना किसी मल्टीप्लीकेशन लगाया मैंने प्लस थ्री सी ओ हाँ बेटा प्लस माइनस क्योंकि ये दो से मल्टीप्लाई करा है माइनस टू सीओ ये तो इस साइड के हो गए इस साइड क्या हुआ इस साइड ऊपर तो कुछ नहीं था प्लस ही था टू एफ ई प्लस थ्री सी ओ टू पर नीचे क्या हो गया माइनस एफ ई माइनस सी ओ टू क्योंकि ये वाला तो माइनस वाला हुआ ना बेटा है ना ये वाला तो माइनस था इसलिए ऐसा हुआ तो नेट डिक्वेशन क्या बन गई एफ ई टू ओ थ्री प्लस थ्री सी ओ माइनस टू सी ओ सी ओ माइनस टू एफ टू एफ ये तुम्हारा बचा एफ ई और ये बचा क्या माइनस टू सी ओ टू यही आए बच्चों माइनस कह रहा हूँ थ्री सी ओ टू माइनस सी ओ टू प्लस टू सी ओ टू तो अगर आप ध्यान से सोचो तो हमारे पास क्या रहा फिर अब एक मिनट ये था हमारा टू से होना था ना ये भी तो ये भी टू होना था ये भी टू होना था तो ये टू से ये तो पूरा ही कट गया और ये सीओ टू बचा खत्म कहानी ये खाली सीओ टू बचा है बच्चों ये चीज तो ये तो एक क्वेश्चन हमें चाहिए थी ये क्वेश्चन अब क्या बन गई एफ ई टू ओ थ्री प्लस ये माइनस का चला गया तो ये टू एफ ई और एक सीओ टू बचा तो मुझे करना क्या था बस कुछ नहीं इसकी एनर्जी कितनी थी ट्वेंटी सिक्स इसको ऐसे रखना था इसको दो से करना था मल्टीप्लाई क्लियर है जी बात और माइनस करना था तो माइनस ट्वेंटी तो ये थर्टी थ्री के आसपास आ गया माइनस प्लस हो गया यहां से कट गया कहानी खत्म आंसर आ गया तो ये हैस लॉ की एप्लीकेशन बताइए बच्चों मैंने यहां पर जो मेजर कंसर्न था वो लॉ की एप्लीकेशन का था पार्ट समझ में आया बेटा एग्जाम्पल से अब देखो ये जो पुराने क्वेश्चन होते हैं ना ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होते ये जो सारा टॉपिक मैं बता रहा हूं ये टॉपिक आपने सारा आज ध्यान से रिवाइज करना है और जो क्वेश्चन आपके नीट में आए हैं लास्ट पांच सालों के वो करने हैं उसी के डाउट आपने जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज चाहे आप उसको जो व्हाट्सएप नंबर आपको मैं इस वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर दीजिए वैसे व्हाट्सएप नंबर बेटा बहुत सारी चीजें आ रही हैं तो एक काम करते हैं जो कमेंट बॉक्स है ना कमेंट बॉक्स पे आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि जो अगली क्लास में रखूंगा उसमें मैं उसको पूरा कर दूंगा कल वाले में जो आपके डाउट आएंगे बेसिकली इन्हीं क्वेश्चन में से बहुत कुछ आना है बेटा जो हैसेस लॉ हुआ है इसके बाद बच्चों हैसेस लॉ के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है अब आ जाओ बॉन्ड एनर्जी पे अगर बॉन्ड एनर्जी दी हुई है तो कैसे निकालेंगे एक चीज समझना बच्चों ऑफ रिएक्शन निकालनी है और बॉन्ड एनर्जी दे रखी है भाई मान लो सी प्लस डी और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं 2015 से लेकर जो नीट वाले क्वेश्चन हैं वो सारे ही बताऊं इन क्लास में तो मैं वो भी कर सकता हूं कि सारे जो इंपॉर्टेंट और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सारे बता दूंगा ठीक है बट उसके लिए फिर आपको अपनी क्लास का वेट करना पड़ेगा आज है थर्सडे फिर हम सैटरडे नाइट को रख सकते हैं दस बजे से बाकी इतने मुझे कल कनेक्शन को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा बट आई थिंक अब कनेक्शन बहुत सही चल रहा है स्टार्टिंग पांच छह मिनट में दिक्कत हुई थी चलिए जरा देखते हैं बच्चों यहां पर अगर हम समझें तो अगर सिर्फ बॉन्ड एनर्जी दी है इसकी भी बॉन्ड एनर्जी दी है इसकी भी दी है इसकी भी दी है इसकी भी दी है अब कैसे निकालेंगे चेंज इन एन जरा अब समझना बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो रिएक्टेंट तो भैया डिकम्पोज होंगे रिएक्टेंट तो डिकम्पोज होंगे टूटेंगे और जो बॉन्ड ब्रेक होगा इनका और यहां पर बॉन्ड बनेगा तो ड्यूरिंग अ रिएक्शन एक चीज समझना ड्यूरिंग अ रिएक्शन रिएक्टेंट के बॉन्ड तो टूटते हैं ब्रेक होंगे जी और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे तो अगर हम देखें तो ये क्या प्रोसेस हुआ ये हुआ एंडोथर्मिक बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक और ये हुआ एक्सोथर्मिक क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक कोई दिक्कत तो नहीं अब दोस्तों क्योंकि ये एंडो है तो इसको तो हीट देनी पड़ी है और अगर हीट देनी पड़ी है तो ये प्लस है तो अगर हम ध्यान से देखें तो अब अगर निकालनी है एंथेल ऑफ रिएक्शन सो बॉन्ड एनर्जी जो दे रखी है रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट जो दे रखी हैं वो तो प्लस करूंगा और जो प्रोडक्ट की हैं वो माइनस करूंगा और ध्यान रखना बॉन्ड एनर्जी भी मोल के हिसाब से होती है तो दो और तीन अगर दे रखे होंगे रिएक्शन के अंदर तो वो मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से यहां निकालोगे कोई दिक्कत है तो बताओ क्योंकि फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फटाफट टॉपिक खत्म करके आज ऑलरेडी ग्यारह बजने वाले हैं जल्दी बताओ एनीबडी टू रिपीट वाला बॉन्ड एनर्जी वाला अगर बॉन्ड एनर्जी वाला रिपीट करना है तो बताओ चलिए किसी को रिपीट नहीं करना वेरी गुड आगे बढ़ता हूं रिपीट बेटा एक चीज ध्यान रखना जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको तुम एक सिंपली एक फॉर्मूले के तौर पे याद करो भाई डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालने के दो तरीके हैं क्या क्या अगर आपको एंथल्पीज दे रखी है तो एंथेल्पीज ऑफ प्रोडक्ट वो भी कौन सी एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस एंथेल्पी ऑफ reactants और अगर बॉन्ड एनर्जी दी हुई है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बस ये दो फॉर्मले अपना याद रखो फिलहाल ठीक है क्षेत्र इसको जरा यूज करेंगे चलिए एक चीज ध्यान रखना बच्चों वर्क डन के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा अब वर्क डन अब हम जानते हैं वर्क डन कैसे हम निकालेंगे अब वर्क डन को हम निकालने की बात करते हैं तो हम जानते हैं क्योंकि चार तरह के हमारे प्रोसेसेस होते हैं पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा होता है भाई साहब हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस तीसरा है आइसोकोरिक और चौथा है आइसोबारिक मेन मुद्दा यह है यहां पर नो चेंज इन टेम्परेचर यहां पर नो चेंज इन हीट यहां पर नो चेंज इन वॉल्यूम और यहां पर नो चेंज इन प्रेशर ये प्रोसेस हैं हम डन निकालते हैं इन दोनों के अंदर इनमें नहीं निकालेंगे कोरिक में तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो क्या निकालोगे डब्ल्यू पी डेल्टा भी निकालना होता है और आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए तो इसलिए हम खाली इन दोनों में ही निकालते हैं तो इन दोनों में ही निकालते हैं तो जरा देखते हैं दोस्तों कैसे निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर एक चीज ध्यान रखना अब चाहे एडियाबेटिक हो चाहे आइसोथर्मल हो हम दो चीजों की बात करेंगे वन इज रिवर्सिबल एंड अदर इज इरिवर्सिबल अब आ जाइए जरा देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है भाई यहां पर गैस भरी हुई थी और पिस्टन लगा हुआ था अब एक तो प्रेशर एक्सटर्नल था एक प्रेशर इंटरनल था दोनों प्रेशर बैलेंस के साथ लगे हुए थे तभी यहाँ पर ये पिस्टन मेंटेन था अचानक हम में से कोई गया और पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया अब जैसे पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर उठाया बहुत जरा सा गैस थोड़ी सी एक्सपेंड कर गई बट जो भी एनर्जी लॉस वगैरह वो सराउंडिंग से मैनेज हो गया बिकॉज वो बहुत कम था और अगर ऐसा हुआ तो फिर से प्रेशर एक्सटर्नल जो है वो प्रेशर इंटरनल के बराबर हो गया ये चल ही रहा था दूसरी कंडीशन क्या हुई ऐसी गैस भरी हुई थी ऐसा एक पिस्टन था एक बंदाया पूरा पिस्टन उठा दिया जी भयंकर तरीके से गैस पूरी एक्सपेंड कर गई अब पूरी एक्सपेंड कर गई तो भैया वापस से तो प्रेशर एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस हो नहीं सकते क्योंकि सराउंडिंग से इतना तो आप बैलेंसिंग नहीं ले सकते तो अब ये प्रोसेस तो वापस होगा नहीं तो ये हो गया इरिवर्सिबल और क्योंकि ये बार बार हो रहा है तो ये हो गया रिवर्सिबल अब दोस्तों आपको मुझे ये बताना है पहले कि रिवर्सिबल का वर्क डन मान लिया मैंने हो गया डब्लू वन और इसका हो गया W2, टू विच वन इज बिगर डब्ल्यू वन के डब्लू टू किसमें है कौन सा वगदान बड़ा है डब्लू वन के डब्लू टू डालिए चैट इसमें चैट बॉक्स में W1 वन के डब्लू टू ओके डब्लू टू बढ़ा है जी पार्थ के हिसाब से और बताइए बच्चों पे डब्लू वन हां जी तो W1 वन अब डब्लू वन एक चीज सोचते हैं बच्चों जरा समझना ध्यान से इन दोनों में ध्यान से सोचें तो डब्लू क्या होता है बेटा प्रेशर एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी मेरे बच्चों जब एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो हो गया इस रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाले केस में तो वर्कडन तो जीरो ही चला गया ना बेटा किसी भी काम को होने के लिए प्रेशर होना बहुत जरूरी है अगर प्रेशर नहीं होगा ना दोस्तों तो काम नहीं होगा यह हमें यहां यह सिखाता है तो ध्यान रखना इनकेस ऑफ एक्सपेंशन रिवर्सिबल का जो वर्क है वो बड़ा है इरिवर्सिबल से बट इनकेस ऑफ एक्सपेंशन अब देखो ये मल्टी स्टेप में हो रहा है पार्थ बेटा क्लियर है क्यों था W1 बड़ा क्योंकि ये मल्टी स्टेप में हो रहा है इसलिए मैंने बताया ये। चलिए पार्थ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं ओके बच्चे वेरी गुड अब देखो यहां पर एक बड़ी कमाल की चीज है क्योंकि ये जो रिवर्सिबल वाला है ये मल्टी स्टेप में हो रहा है तो W इज अवर माइनस p डेल्टा बी P इज वॉट एन आर टी बाई बी डेल बी माइनस अब वही कहानी इंटीग्रेशन करेंगे इसका सब कुछ ड्रामेबाजी करके तो हमारा निकल के आएगा माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अभी माइनस आगे है तो ये एल एन बी टू बाई बी वन हो जाएगा टू पॉइंट थ्री NRT आर टी अब एल एन क्यों लॉग हो गया ना ये तो लग गया है टू पॉइंट थ्री तो वर्क डन का बेटा हमारे पास क्योंकि तो ये इनफाइनाइट स्टेप में हो रहा है पार्थ डब्ल्यू वन में तो बेटा हमेशा ही इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर चल रहा है ना इसलिए और यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर तो हमने जीरो कर दिया पूरा लेगा खींच के तो वो तो जब पूरा ही लेगा खींच के तो वो काम ही अलग हो गया कोई दिक्कत ही नहीं है पूरा ही लेगा उसको अंदर ठीक है ना कोई दिक्कत दोस्तों चलिए सो बच्चे यहां तक हमने वर्कडन निकाले ये वकडन किसका था ये वर्कडन हमारा हो गया किसका भला ये वर्कडन हो गया हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ठीक है जी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बालक को किसी को है तो बताओ भैया अब ये लगा लेंगे हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में एक चीज ध्यान रखना अगर वो आपसे कहता है आज मैं इसी के साथ क्योंकि टाइम अप हो रहा है थोड़ा आज की क्लास का इसी के साथ रुकना पड़ेगा कल वाले में लगाएंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का प्रोसेस दे दे और आपसे कह दे कि भैया डेल्टा इसमें एच निकालो डेल्टा यू निकालो लो डब्ल्यू निकालो क्यू निकालो तो उसमें हम कैसे करेंगे जरा बताते हैं

क्योंकि अभी इसमें क्लास में इतना ही हमारे पास था तो कल का हम लेते हैं बेटा टाइम ये रखेंगे थोड़ा सा अगर अब कोशिश होगा एक बार देख लेना चेक कर लेना चैनल पे कल हो सकता है कि अगर नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा ठीक रहे तो हम नौ बजे से स्टार्ट करने का प्लान करेंगे तो एक बार चैनल पे चेक कर लेना कि नौ बजे का हमने लगाया है ब्रॉडकास्ट या दस बजे का ठीक है आई होप जो मैंने आज पढ़ाया है वो क्लियर होगा क्वेश्चन आप लोग करेंगे अगर आप चाहेंगे मुझसे कराने हैं तो हम सैटरडे को लंबी क्लास रखेंगे वहां पर हम सारे ये कर लेंगे ठीक है बच्चों थैंक यू खुशी थोड़ा सा बेटा स्पीड से आ रहे हैं और ऑर्गेनिक भी करते रहना और जिन बच्चों ने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है मेरा इलेवन ट्वेल्थ वाला वैसे भी देख लेंगे थर्मो वाला भी देखता हूँ मैं कैसे करना है पार्थ और क्षेत्र ठीक लगा बेटा आज ये सब चलो सबको आई होप बढ़िया रहा होगा पर्व सबको बढ़िया रहा होगा इसमें जिन जितने बच्चों ने सोया जितने मैंने ज्वाइन करा थैंक यू गाइस थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इतना प्लीज आज डिवाइस जरूर करो कल मिलते हैं फिर टेक केयर गुड नाइट थैंक यू सोजो ठीक है पार्थ में भेजता हूँ बेटा